प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के निर्देशन पर प्रदेश भर में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए CPR प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। वहीं ग्वालियर में भी जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने बताया कि किस तरह से लोगों को हार्ट अटैक आने की दशा में CPR दिया जा सकता है। पुलिसकर्मी की तैनाती जमीनी स्तर पर होती है और वो किसी भी प्रकार के आयोजन और VIP मूवमेंट में अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। ऐसे में यदि किसी को हृदय घात होने की दशा में जब उन्हें चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती, तब तक पुलिसकर्मी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाहन करते हुए CPR देकर उनकी जान बचा सकते हैं। इस मौके पर गुड़गांव के मेदांता मेडिसिटी के चिकित्सक और ग्वालियर रेंज के IG डी श्रीनिवास वर्मा सहित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित सांघी और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। एक CPR का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें हमारे शहर के लगभग 600 अधिकारी और जवान सम्मिलित हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का एक बड़े चिकित्सीय ग्रुप मेदांता से मास्टर ट्रेनर आए थे और उन्होंने बहुत अच्छे सरल भाषा में किस तरह से CPR किन परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए ये हमारे अधिकारियों को और जवानों को बताया। और निश्चित तौर पर इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद हमारे लोग जो कि सड़कों पर रहते हैं, जैसे डायल 100 में लगे कर्मचारी, ट्रैफिक के कर्मचारी या बीट के आरक्षक, वो निश्चित तौर पर ऐसी आकस्मिकता आने पर किसी ज़रूरतमंद को या किसी कार्डिक अरेस्ट वाले व्यक्ति को CPR देके निश्चित तौर पे उसकी जान बचा पाने में सक्षम होंगे।